I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body. Hello friends, मैं हूँ विशाल और आज मैंने यहाँ पर बनाई है दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल। इसके अंदर आपको पावर भी मिलेगा, स्पीड भी मिलने वाली है। तो भाई चलते हैं अपने स्टूडियो के अंदर, इसको यहाँ पर बनाते हैं। कैसे मैंने इसको बनाया है और आप कैसे इसको बना सकते हो। तो गाइज हमें सबसे पहले हमारी साइकिल जो है वो लेनी होगी। आप कोई सी भी साइकिल का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। अब हमारी जो साइकिल है इसके आगे का जो व्हील है इसको यहाँ पर ओपन करना होगा, क्योंकि हमारी जो मोटर हम आगे के व्हील में ही लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चेन चक्का लेना होगा हमें और इस चेन चक्के को हमारे व्हील के आगे की साइड में फिट करना होगा। तो यहाँ पर ये फिट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इसको हम ग्राइंडर से घिस कर इसके अंदर फिट कर लेते हैं। फाइनली गाइज यहाँ पर ये फिट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें वेल्डिंग करके इसको अच्छे से फिट कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखें कि ये जो चैन चक्का है ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर शाफ्ट देख सकते हो, मैंने एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम निकाली है। इसका कारण ये है कि हमारी जो चेन चलेगी यहाँ पर टच ना हो जाए बॉडी से, इसलिए यहाँ पर इसको एक तरफ ज़्यादा निकाला है और एक यहाँ पर बोल्ट डाल देंगे। अब हमारा जो व्हील लगता है इस चिमटे के अंदर, इस चिमटे को हम खींच कर थोड़ा चौड़ा कर देंगे और यहाँ पर व्हील को इसके अंदर फिट कर देंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कर देंगे वापस से। अब यहाँ पर मैं एक चेन ले रहा हूँ और इस चेन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है छोटी साइज में, और इसके बाद हमारा जो व्हील है इसके आगे की साइड में इसको फिट कर देंगे। तो गाइज इसको मैं फिट करता हूँ, उतनी देर में आपको क्या करना है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आप सभी के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फाइनली हमारी चेन यहाँ पर फिट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर लेना होगा हमारी मोटर। तो गाइज यहाँ पर जो मोटर मैं यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर बाइक सेल्फ स्टार्ट मोटर का यूज़ करने वाला हूँ। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारी जो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर होती है, क्योंकि हमें किक लगाने में कितना पावर लगाना होता है, और ये जो मोटर है एक सेल्फ में ही हमारे इंजन को स्टार्ट कर देती है। ये पुरानी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो गंदी हो रही थोड़ी बहुत, क्योंकि इसको मैंने साफ़ कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसको हम इस टाइप से लगाएंगे। इसके अंदर एक पॉइंट होता है जो कि प्लस का होता है, और दूसरा जो माइनस पॉइंट होता है वो बॉडी से टच होता है। तो बॉडी में कहीं भी लगाएंगे इसके अंदर, हमारा जो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और मोटर हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये 12 वोल्ट की बैटरी पर ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा चेन चक्का लगा हुआ है जो कि छोटी चेन के ऊपर ऑपरेट होता है, लेकिन हमें इसके अंदर बड़ी चेन लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बड़ी चेन चक्का जो है यहाँ पर फिट करूँगा इसके अंदर। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो शाफ्ट है थोड़ी मोटी है, और जो बड़ी चेन वाला चक्का है ये थोड़ा इसका होल छोटा है, तो यहाँ पर इसमें बड़ा होल करना होगा। तो फटाफट से इसके अंदर एक होल कर देंगे बड़ी साइज का। सो गाइस फाइनली यहाँ पर इसमें होल हो चुका है, और अब यहाँ पर क्या करना होगा, मैं शाफ्ट के अंदर होल करा मैंने छोटा सा, और यहाँ पर एक मैं स्क्रू को कट करके इसके अंदर डाल दूंगा, जिससे होगा क्या गाइस कि जो शाफ्ट घूमेगी उसी के साथ में हमारा चेन चक्का भी घूमेगा। अगर ये नहीं लगेगा तो यहाँ पर ये स्लिप होगा और हमारा चेन चक्का घूमेगा नहीं, बस शाफ्ट घूमती रहेगी। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया अच्छी तरीके से, और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है साइकिल के अंदर लगाने के लिए। तो यहाँ पर इस मोटर को साइकिल में लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पर इसका माउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लोहे की शीट ली है और उसको यहाँ पर कट कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर इस शीट के ऊपर हमें क्या करना होगा, एक राउंड सर्किल कट करना होगा हाफ। तो यहाँ पर जो मोटर का जो सर्किल है इसी साइज का मैं एक जॉब ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसका हाफ सर्किल ड्रॉ कर दूंगा और इसको ग्राइंडर के द्वारा कट कर देंगे। तो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पर जो है माउंट इसका तैयार हो चुका है, और इसके अंदर मैंने दो होल कर दिए हैं जिससे हमारी मोटर को यहाँ पर कस देंगे। अब भाई जो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस चेन को इसके ऊपर लगानी होगी और यहाँ पर इसको वेल्डिंग कर देंगे हम। तो यहाँ पर वेल्डिंग मशीन आपके पास नहीं है तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, किसी वेल्डर के पास जाकर आप इसको वेल्डिंग करवा सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है जो कि प्लस का है, माइनस का पॉइंट इसमें डायरेक्टली हम बॉडी में देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी साइकिल की बॉडी है, इसमें कहीं भी आप माइनस वाला पॉइंट लगा दीजिए जो हमारी मोटर तक पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर वेल्डिंग कर रखा है। अब प्लस वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हो मैंने दो वायर एक साथ लिए हैं, ताकि इसका एम्पियर काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमारा पतला वायर जो है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोटा वायर आपको लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक स्विच यूज़ कर रहा हूँ जो 10 एम्पियर का है, और यहाँ पर 220 वोल्ट तक दे सकते हैं इसके अंदर, लेकिन गाइस यहाँ पर हम 12 वोल्ट का ही यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने हैंडल के यहाँ पर इस स्विच को लगा दिया है, और इसकी वायरिंग मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ।
अब यहाँ पर हमारी जो बैटरी है गाइस, इस बैटरी को इसके पीछे की साइड में लगाएंगे और यहाँ पर जो हमारी अल्टो कार होती है, जो ओमनी होती है, उस टाइप की जो कार होती है बड़ी कार, उसका यहाँ पर बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा एम्पियर का होता है, ये लगभग 35 एम्पियर के आसपास बैटरी होती है 12 वोल्ट की। अब गाइस इसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, वो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बॉडी से इसको कनेक्ट कर दूंगा, जिससे हमारे मोटर तक ये चला जाएगा। फाइनली गाइस हमारी साइकिल जो है पूरी यहाँ पर बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर इसको हम चलाने वाले हैं। इसमें डायरेक्टली ऑन करेंगे तो हमारी मोटर इतना ज्यादा लोड नहीं लेगी और काफी ज्यादा करंट खींचने वाली, जिससे बैटरी काफी जल्दी हमारी लॉस हो जाएगी। इसका सोल्यूशन ये है कि हम थोड़ा सा इसको साइकिल को चलाएंगे आगे साइड में, जैसे हमारी साइकिल चलेगी उसके बाद बटन को ऑन कर देंगे और फिर पेडल दबाना बंद कर, हमारी साइकिल यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी साइकिल यहाँ पर चलने लगेगी। फटाफट से यहाँ पर इसका ट्रायल लेते हैं। Such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. तो गाइस फाइनली हमारी साइकिल जो है काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है और स्पीड भी काफी अच्छी इसकी मिल रही है मुझे। इसका एक माइनस पॉइंट भी है यहाँ पर, हमारी जो मोटर लगी हुई है ये काफी ज्यादा एम्पियर मोटर है, इसमें जो बैटरी काफी जल्दी लॉस कर देती है, इसलिए यहाँ पर छोटी बैटरी काम नहीं कर रही है, थोड़ी बड़ी बैटरी आपको लगा। भाई आपको ये वाला प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। भाई काफी ज्यादा मेहनत लगती है आप सभी के लिए वीडियो बनाने में, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।